किसी ने नहीं बल्कि कैसे गोविंदा ने अपने आप को खुद को बर्बाद किया और आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते कलाकारों में से एक गोविंदा की बात करें तो 90 का दशक इनके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और उस जमाने में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारों को ये करारी शिकस्त भी देते थे। इतना ही नहीं, गोविंदा उस जमाने में हिट होने की गारंटी हुआ करते थे और यही बड़ी वजह थी कि तमाम निर्माता निर्देशक गोविंदा को पहली पसंद में रखते थे। लेकिन गोविंदा ने अपनी जिंदगी में कई सारी ऐसी गलतियां की हैं कि जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। वैसे तो गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी बुनियाद काफी मजबूत करके रखी हुई थी। 80 के दशक में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने तहलका मचा दिया था। पहली फिल्म हिट हो जाने के बाद गोविंदा के पास करीबन 40 फिल्मों के ऑफर आ गए थे और गोविंदा इन सभी को पूरा करने में लगे हुए थे। लेकिन गोविंदा की कुछ गंदी आदतें थी, इन आदतों को उन्होंने समय रहते सुधारा नहीं, जिसका खामियाजा उन्हें एक वक्त के बाद में भुगतना पड़ा। गोविंदा को लेकर ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि गोविंदा इंडस्ट्री पर राज करेंगे, लेकिन 90 का दौर खत्म होते ही गोविंदा का करियर भी खत्म हो गया। गोविंदा के डाउनफॉल को लेकर कई सारी अफवाहें भी आती रहती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि गोविंदा अपने घमंड के चलते ही बर्बाद हुए हैं। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म इल्जाम से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद छोटे मियां बड़े मियां जैसी फिल्म और फिर हीरो नंबर वन जैसी कॉमेडी फिल्मों से लोगों के दिल में जगह बनाई। गोविंदा को बॉलीवुड का डांस किंग और कॉमेडी किंग भी माना जाता था, लेकिन फिर गोविंदा के करियर में ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया। गोविंदा ने फिल्मों में काम नहीं मिलने को लेकर बॉलीवुड के कई लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा असल में अपने करियर को बर्बाद करने के लिए खुद ही दोषी हैं। उनका करियर किसी और ने बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो खुद ही इसके कारण हैं। उस समय पहले ही इनके करीबी दोस्तों में से एक टीनू जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा के करियर का ग्राफ नीचे जाने का कारण खुद गोविंदा ही है। टीनू जी और कई मीडिया रिपोर्ट्स के सुझाव थे कि गोविंदा बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थे और यही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। बताया ये भी जाता है कि अपने करियर के पीक पर आकर गोविंदा अक्सर सेट पर घंटों घंटों तक लेट पहुंचते थे, सुबह की जगह शाम और शाम की जगह देर रात। दरअसल गोविंदा के करियर के शुरुआती दौर में बड़े सितारे अक्सर सेट पर लेट ही पहुंचते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ जहां इस अभिनेता के को-स्टारों ने खुद को बदल लिया, वहीं गोविंदा कभी भी खुद को बदल नहीं पाए और यही सबसे बड़ी वजह रही। गोविंदा को बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन इस अभिनेता ने कभी भी अन्य किसी शैली के साथ प्रयोग ही नहीं किया। ये केवल कॉमेडी फिल्मों में ही नजर आते थे और 90 के दशक में इनकी कॉमेडी फिल्मों को ज्यादा पसंद भी किया गया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि गोविंदा ने कई सारी फिल्मों में साइड रोल करने से साफ तौर पर मना कर दिया, यानी समय रहते इन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया। ये वही गोविंदा थे जिन्होंने हमेशा से फिल्मों में लीड रोल करना ही पसंद किया। लेकिन समय में बदलाव तो आता ही है। अगर साइड रोल दिया जाता था
तो वो करने से साफ मना कर देते थे। ऐसे में धीरे धीरे फिल्में मिलना बंद हो गईं। अब गोविंदा के लिए एक और भी कारण बताया जाता है और वो है राजनीति में आना। ऐसा भी समय था जब गोविंदा के पास करीबन 70 फिल्में हुआ करती थीं उनकी झोली में, जिसे उन्होंने साइन किया था, जिनमें से 8 से 10 फिल्में बंद हो गईं, 4 से 5 फिल्में गोविंदा को डेट्स की कमी के कारण छोड़नी पड़ी। बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता होगा कि गोविंदा सिर्फ अच्छे एक्टर और डांसर ही नहीं बल्कि शानदार गायक भी रहे हैं। जितनी तेजी से गोविंदा ने फिल्मी दुनिया में कामयाबी हासिल की, उतनी ही तेजी से उनके फिल्मी करियर का ग्राफ भी डाउन हो गया, जिसका कारण गोविंदा का राजनीति में कदम रखना भी माना जाता है। अभिनेता से राजनेता बनने की शुरुआत गोविंदा ने साल 2004 में की थी। इस समय गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा। गोविंदा ने चुनाव में जीत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद वो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रह सके। इसके मुख्य कारण का खुलासा गोविंदा की ओर से नहीं किया गया, लेकिन माना जाता है कि राजनीति में सक्रिय होने के कारण वो अपनी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान और समय नहीं दे पा रहे थे। जब गोविंदा राजनीति में थे तब हमेशा फिल्मों के सेट पर लेट पहुंचते थे। इसके कारण टीम के अन्य कलाकारों को इंतजार के दौर से गुजरना पड़ता था। इसीलिए फिल्म निर्माता भी गोविंदा से बहुत नाराज रहने लगे थे। इसी वजह से उनका एक्टिंग करियर धीरे धीरे स्लो होता चला गया। आपको बता दें कि गोविंदा साल 2004 से 2009 तक संसद के सदस्य भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक वो राजनीति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और उन्होंने राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। राजनीति से हटने के बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड में पैठ जमाने की कोशिश की, लेकिन समय तब तक बीत चुका था। उस जमाने में कई सारे नए अभिनेता आ चुके थे। नए चेहरों के बीच में गोविंदा खुद को वापस नहीं ला सके। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बाद में सेकेंडरी लीड रोल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने पार्टनर और भागम भाग जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों को अच्छा खासा पसंद किया गया, लेकिन इन फिल्मों को करने के बाद भी गोविंदा के करियर को दोबारा वो पीक नहीं मिल पाया। कभी फिल्म इंडस्ट्री के राजा बाबू कहलाए जाने वाले गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। साल 2019 में आखिरी फिल्म करने के बाद उन्हें आज कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वही गोविंदा है जिन्हें एक समय पर कई सारी फिल्में ऑफर किया करते थे लोग। प्रोड्यूसर्स इनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन वही गोविंदा आज खाली हाथ घर पर बैठे हैं और उनके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। वैसे गोविंदा की कौन सी फिल्म आपको सबसे शानदार लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।